हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। माई सेल्फ सोमनाथ पलीचा। आज का लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर है। हम लोग कल बात कर रहे थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी उसको थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने बात किया था कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लोगों ने चार कैरेक्टर्स को लेकर डिस्क्राइब किया था। ओके, ग्रोथ को लेके, फिर रिप्रोडक्शन को लेके, फिर रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूलाई एंड देन मेटाबॉलिज्म, जिसमें से हमको पता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था मेटाबॉलिज्म जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था। ओके, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते थे नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग सिस्टम। रीज़न क्या है पता है, अगर हम लोग किसी, समझ लो किसी फ्रूट के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो। ओके, मैंगो जो नाम है ये बहुत कॉमन नेम है, एक्चुअली बहुत इंग्लिश नाम है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसके अलावा तुम अपने मदर टंग में मैंगो को किसी और नाम से भी जानते रहोगे, है कि नहीं। जैसे कि मराठी में बात करें तो अंबा कहते हैं, हिंदी में बात करेंगे तो आम कहते हैं, कुछ लोग लाइक उत्तर प्रदेश में उसको अंबिया के नाम से भी कहते हैं। लेकिन ये सारी बातें क्या है, ये सारे लोकल नेम्स है, बात समझ में आ रही है। तो लोकल नेम्स अगर मैं बाहर के देश में जाऊँ और उसके लोकल नेम्स को प्रोनाउंस करूँ या फिर लोकल नेम यूज़ करने की कोशिश करूँ, तो मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दे विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर जो किया है दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड ओनली वन सिंगल नेम, दैट इज अ साइंटिफिक नेम। ओके, चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो हम लोग ने बात किया था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है दैट इज लाइक वेरी वास्ट फील्ड। ओके, मैंने ऑलरेडी बोला था कि आप लोग इसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ोगे, जैसे कि आप ग्रेजुएशन वगैरह जाते हो तो टैक्सोनॉमी लाइक इन बॉटनी में मैंने कहा एंजियोस्पर्म एक अलग से फील्ड हो जाती है। ओके, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ सिस्टमैटिक के बारे में कल बात किया था। सिस्टमैटिक का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, सिस्टमैटिक मीन्स इट इज अ वेरी डिसिप्लिन स्टडी, और कैरोलस लिनियस ने इसको फर्स्ट टाइम अपने बुक में यूज किया था, राइट। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने कल बात कर लिया था, ठीक है। आज का लेक्चर जो चालू होगा वो होगा हमारा कैटेगरी से। ओके, ठीक है, तो कैटेगरी की बात चल रही थी। ओके, कैटेगरी क्या है, नथिंग बट अ लेवल। लेवल मतलब क्या है, टैक्सोन। इसको समझना काफ़ी आसान है। देखो लेवल मतलब क्या, आप लोग गेम्स खेलते रहोगे राइट मोबाइल में, है ना। तो धीरे 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 आगे बढ़ने के लिए हमको एक एक लेवल क्रॉस करना पड़ता है, फिर जो लेवल हम लोग क्रॉस करते जाते हैं वो थोड़ा सा प्रिमिटिव से एडवांस हो जाता है ना, थोड़ा उसमें फिर मज़ा आने लगता है। इट इज़ द सेम काइंड ओनली, लेकिन यहाँ पर हम जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे, जिसको काफ़ी अच्छे से उनके सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो हर जो स्टेप्स रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेवल बोलेंगे, या फिर हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, टैक्सोन। इसी के ऊपर नॉर्मली नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, आपको एक बात नोट करनी है, क्या बोल रहा हूं यहां पे, लिनियस गिवन सम कैटेगरीज। ओके, सो लिनियस ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी ऑल दोस थिंग्स। तो देखते हैं इन्होंने क्या कैटेगरी उनके जमाने में चालू की थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने फर्स्ट बोला था जीनस, उसके बाद बोला इन्होंने स्पीशीज, फिर उन्होंने स्टार्ट किया क्लास, एंड क्लास के बाद उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, और ऑर्डर के बाद आप लोग देखोगे तो वैरायटी वर्ड उन्होंने यूज किया था लिनियस ने। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ही क्वेश्चंस बनते हैं नीट में। ओके, जैसे कि लिनियस ने क्या क्या कैटेगरी दी थी, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपके सामने ऑप्शन है ऑलरेडी, जीनस, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर एंड द वैरायटी। क्यों ये बोल रहा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज के डेट में आप अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने की कोशिश करते हो तो देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिविजन, किंगडम। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मतलब हम लोग कितने कैटेगरी पढ़ रहे हैं, 7 कैटेगरीज। इंश्योर व्हाट, कितने लेवल, 7 लेवल्स। इंश्योर कितने, मतलब 7 टैक्सॉन्स के बारे में, मतलब इतने सारे चीजों को अभी अपडेट कर दिया गया है। अभी आप लोग देख लो ना, यहाँ पे जीनस, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर, मतलब ये हो गया जीनस, स्पीशीज, क्लास एंड ऑर्डर, ये तो हो गए लिनियस के। ओके, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज, फाइन। अभी बचा वैरायटी, वैरायटी को और डिटेल में पढ़ा गया है, और उसको पढ़ते हुए ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो गई, जैसे कि यहाँ पे आ गया किंगडम, उसके बाद आ गया फाइलम, उसके बाद आ गया डिवीजन। अभी यहाँ पे भी एक और बात है, फाइलम जो वर्ड है ये हम लोग ओनली गोइंग टू यूज़ फॉर द एनिमल,
ठीक है। और डिवीजन जो है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे। अगर मैं प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करूँ तो कैसे चालू होगा, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, बात समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं एनिमल को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो ये चालू होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ओके इतना सिंपल है। और कंपलसरी आपको ये याद रखना है, इसी ऑर्डर में सीक्वेंस होगा। अभी यहाँ पे दो तरीके के आप खुद ही क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, देखो कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर तुमको क्वेश्चन पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में उसको प्लेस करो या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करो, मतलब ये एक तो बात समझ लो कि ये आपको किसी भी रैंडम फॉर्म में लिखे रहेंगे, आपको अरेंज करना आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए। मान लो असेंडिंग पूछा तो आपको जाना है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा तो बट ऑब्वियसली किंगडम से लेकर स्पीशीज तक आपको आना है, ओके। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज फ्रॉम दिस एरिया, ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन कहाँ बन जाए बेटा, देख लो यहाँ पे बनता है, फाइलम वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना एनिमल्स के लिए, और फिर डिवीजन वर्ड हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। डिवीजन का मतलब एक्चुअली क्या है, देखो जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिवीजन क्या हो सकता है प्लांट्स में, स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा मतलब क्या, सीड बियरिंग प्लांट्स, बात समझ में आ रहे हैं, मतलब सीड बनाने वाले प्लांट्स। ऐसे करके कैटेगरी 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 उसमें बनते जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये जो एरिया है, ओके, इसको समझते हैं, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किंगडम जो है ये काफ़ी वास्ट वैरायटी है, सारे लोग इसमें आ जाएंगे, ओके, सारे लोग। अगर मैं प्लांट्स बोलूँ तो सारे प्लांट्स की वैरायटीज इसमें आ जाएगी, बहुत डाइवर्स वैरायटी है। उसके बाद कमिंग टू द एनिमल की बात करो तो अगेन एनिमल है। अगर देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो ना, इंग्लिश ही पढ़ने की कोशिश करो, चलो एटलीस्ट ABCD तो स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से, वही है बात, ओके। तो मतलब हमेशा छोटे से स्टार्ट करके बड़े तक जाना है। अदरवाइज मैं तुमको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक बड़ा सा ग्राउंड है और उस ग्राउंड पे बहुत सारे स्कूल, समझ लो 10 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया किसी इवेंट में, ओके, एक्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और उन सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, उन सारे 10 स्कूल के स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, ओके। और वो अगर समझ लो स्टूडेंट्स अगर अपने घर के मतलब घर के सिविल ड्रेस में आ गए तो तुमको कितना डिफिकल्ट होगा पहचानने में, यार तुम कौन से स्कूल से हो, तुम कौन से स्कूल से हो, ऐसे पूछने लगोगे, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना भी मुश्किल हो सकता है। सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स को बोल दो स्कूल यूनिफॉर्म में आए, अपने आप कैटेगरी समझ में आ जाएगी, है ना। तो यूनिफॉर्म के बेसिस पे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, स्कूल के नाम से वो लोग सेपरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज है, गर्ल्स की रो अलग हो जाएगी, बॉयज़ की रो अलग हो जाएगी, और किस बेसिस पे तुम लोग उसको और डिफरेंशिएट कर सकते हो, ले लो बच्चों की हाइट को कंसिडर कर लो ना, कैटेगरी है ना, जो हाइटेड है उनको पीछे खड़ा कर दो, जो छोटे हाइट में उनको आगे खड़ा कर दो, बात समझ में आ रही है। तो देखो कैसे कैटेगरी बनती जा रही है, बात समझ में आ रही है ना आपको। उसके बाद आप लोगों ने स्कूल में देखा रहेगा रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, ऐसे हाउसेस रहते हैं, तो लोग अपने हाउसेस के हिसाब से भी खड़े रहते हैं, बात क्लियर है यहाँ तक। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी सीखना है। हम लोग क्या करेंगे, उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखेंगे, उनके डिसिमिलैरिटीज़ को देखेंगे, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकली, वी विल ऑल्सो थिंक अबाउट द एनाटॉमिकली ऑल्सो, क्योंकि ये लेटेस्ट है, अपडेटेड है, मतलब क्या खाली बाहर की चीज़ें देख के डिस्क्राइब नहीं की जाती, अभी हम लोगों को थोड़ा सा एनाटॉमिकल लेवल पे भी जाके बात करना होता है, ओके। ऑन दैट बेसिस ओनली दिस मेनी सिस्टम्स आर अराइज ओवर हियर, ओके। तो ये हो गया बड़ा सा डाइवर्स एरिया, सो दिस इज यू कैन से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, किंगडम इज द लार्जेस्ट ग्रुप, ओके, इट इज अ लार्जेस्ट ग्रुप। और वही अगर मैं बात करूँ स्पीशीज को लेके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप। मतलब अगर मैं सिमिलैरिटीज को लेके बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे मुझे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज देखने मिलेंगी, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा ये जैसे सिमिलैरिटीज है ना यहाँ पे हाईएस्ट, वो थोड़ी 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 गिरते जाएगी। तुम ही देख लो ना इतनी सारी चीज़ें है, कैसे होगा इतना सारा कैटेगरी एक साथ पढ़ना। तो ऐसे करते 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 जब नीचे आओगे तो यहाँ पे जो स्पीशीज होंगे वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगे, कैसे होंगे, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विल बी देयर, स्पीशीज विल बी देयर, जिनको हम लोग स्पीशीज के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा और पढ़ना चालू करते हैं, अभी हम लोग देखो स्पीशीज से स्टार्ट करेंगे किंगडम तक जाएंगे, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा
अगले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उनके डेफिनेशंस को लेके होते हैं। किसको लेके होते हैं? डेफिनेशन को लेके। और जो कल तुम लोगों ने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर्स में रूल्स पढ़े थे, कैसे रूल्स होते हैं, कैसे जीनस के नाम लिखे जाते हैं, कैसे स्पीशीज के नाम लिखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप रिलेट करना सीख जाओ अभी, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक जो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज द स्पीशीज। व्हाट यू मीन बाय द स्पीशीज? ये जो स्पीशीज वर्ड है, दिस इज अ टर्म गिवन बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज अ जॉनरे। याद रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगेन, हु हैज गिवन द टर्म स्पीशीज, सो योर आंसर शुड बी जॉनरे। कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट जॉनरे इज सेइंग अबाउट दिस? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीशीज, ओके। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीशीज वॉज गिवन बाय द टर्म वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज एर्नेस्ट मेयर। अभी जॉनरे जो था, सी यहाँ पे दो साइंटिस्ट है आपके सामने, एक तो अर्नेस्ट मेयर है और दूसरा है जॉनरे। जब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात चल रही थी तो अभी हमको पता रहना चाहिए ना कि इन सारी चीज़ों को कुछ नाम वगैरह देना है, तभी वो जॉनरे ने स्पीशीज टर्म दिया था, यूज़ किया था। कमिंग टू द नेक्स्ट, अर्नेस्ट मेयर, ही हैज गिवन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्पीशीज। वॉट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। व्हाट यू मीन बाय बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसका डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे भी ये नीट में क्वेश्चंस बनते हैं। स्पीशीज इंक्लूड क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ओनली हियर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करते समय तुमको ऑलरेडी बोल दिया था, इट इज अ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। और खाली क्लोज होना नहीं चाहिए, वो लोग रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, सो दे कैन एबल टू इंटरप्रेट। और खाली इंटरप्रेट करने का मतलब नहीं बनता है, इंटरप्रेट करे तो कुछ तो बनेगा ना, बट ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टाइल ऑफस्प्रिंग? दे शुड एबल टू रिप्रोड्यूस, ओके। लेकिन कल ही देख लो ना, कल पहले लेक्चर में तुम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी थी, राइट? तो हम लोगों ने देख लो, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात चल रही थी रिप्रोडक्शन को लेके, है कि नहीं। तो रिप्रोडक्शन हम लोग ने क्या कंसीडर किया? इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सही बात है, क्यों नहीं डिफाइन कर रहे थे हम लोग उसको, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रीजन था हमारे पास, क्या एग्जांपल था? म्यूल बेटा है ना अपने पास, है ना। देखो क्या किया, मेल डोंकी को फीमेल हॉर्स के साथ जब मिक्स किया, सो वी आर गेटिंग अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज अ म्यूल, बट ही इज अ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, चलो इसी को वाइस वर्सा कर दो, है ना, मेल हॉर्स कर दो फीमेल को, डोंकी फीमेल डोंकी को मिक्स कर दो, यू विल बी गेटिंग अ हिनी, ओके। सो दो एग्जांपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, इसको चारों एग्जांपल्स को याद रखना है, कंपलसरी है, याद रख लो इसको। नेक्स्ट, दिस बोथ आर स्टराइल्स, मीन्स वॉट? नहीं कुछ होने वाला इनका, सिंपल सी बात है यार, स्टराइल का मतलब कुछ नहीं हो सकता इनका। कमिंग टू द नेक्स्ट, टाइगॉन, टाइगॉन नाम में ही उसकी असली है, छुपी है, ठीक से देखो। टाइगर को मतलब टाइगर क्या, मेल टाइगर यहाँ पे, ओके। हु इज अ टाइगर? मेल टाइगर एंड द लायन इज, बट ऑब्वियसली ये तो इतना तो तुमको पता ही रहेगा, है ना। तो जब ये दोनों को मिक्स करेंगे तभी हमको कुछ खास मिलता है, दैट इज अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लेकिन ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये तब पॉसिबल है जब हमको, हम उनको कैप्टिविटी में रखें, ओके। कैप्टिविटी में उनको रखें, कैप्टिविटी का मतलब क्या है, एक साथ दोनों को प्लेस करके रखें, तब वो लोग का आगे जाके जो ऑफस्प्रिंग बनेगा दैट विल बी फर्टाइल इन नेचर, ओके। तो यहाँ पे ये जो स्टराइल है, क्या मैं यहाँ पे होमोसेपियंस इंक्लूड कर सकता हूँ? होमोसेपियंस बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते स्टराइल के लिए होमोसेपियंस? ऐसी क्या गारंटी है कि दे शुड एबल टू रिप्रोड्यूस? ऐसा जरूरी नहीं है, सम मेल्स विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस देयर स्पर्म्स, सम फीमेल्स विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस देयर एग्स। तो अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल इज देयर विच वी कैन यूज फॉर द स्टराइल एक्टिविटी, ओके, क्लियर है। बाकी का जो आगे है स्पीशीज के आगे वो है जीनस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन बिफोर एंटरिंग इन टू द जीनस फिर से तुम लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है, फिर से एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो स्पीशीज को लेके बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीनस, उसके बाद एक और एग्जांपल दे सकता हूँ तुमको, जैसे कि पैंथेरा टाइग्रिस, ये क्या है कॉमनली, इसको कहते हैं टाइगर, एंड दिस विल बी कॉमनली कॉल्ड एज अ मैंगो, है कि नहीं। तो ऐसा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, अभी देखो रूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ ना मैं, करना चाहिए ना, सही बात है कि नहीं। तो मैंजीफेरा को अंडरलाइन करो, क्यों अंडरलाइन करो, हाथ से लिखा है भाई मैंने, तो अंडरलाइन तो करना पड़ेगा ना। पैंथेरा को भी अंडरलाइन करो एंड टाइग्रिस को भी, और अंडरलाइन कैसे करो, सेपरेटली करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मिलते हैं आपको जीनस वाले टॉपिक के साथ, ओके।